से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एलडीए नगर निगम की सुस्ती से राजधानी फिसड्डी। जन शिकायत दूर करने में पहले से 45वें स्थान पर पहुंच चुकी है राजधानी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बीते दो माह में पहले से 45वें स्थान पर राजधानी आ चुकी है। आम जनता की शिकायतों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। आप सोचिए, पहले नंबर से अब 45वें स्थान पर राजधानी पहुंच चुकी है। IGRS ऑनलाइन और CM हेल्पलाइन पर आ रही शिकायतें, नहीं हो रहा है राजधानी में निस्तारण। शिकायतों का तय समय पर निस्तारण नहीं हो पाया है, जिसके चलते अब राजधानी जन शिकायत दूर करने में पहले से 45वें स्थान पर पहुंच चुका है। बीते दो माह में पहले से 45वें स्थान पर पहुंच चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी अनिकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिकेत, पहले से 45वें स्थान पर पहुंच चुका है राजधानी, शिकायतें दूर नहीं की जा रही, एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी देखिए, बिल्कुल यकीनन तौर पर अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी में लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी और यहाँ पर लगातार समस्याएं जो IGRS पर आती हैं या फिर ऑनलाइन माध्यम से आती हैं या CM पोर्टल पर जाती हैं, तो लगातार समस्याएं ऑनलाइन लोगों के द्वारा की जाती थी। लेकिन अगर बात करें मौजूदा हालातों की, तो यकीनन तौर पर राजधानी का जो पहला स्थान था, अब वो कहीं ना कहीं जिस तरह से 46वें स्थान पर पहुंचा है, तो ये बात साफ तौर पर जाहिर हो रही है कि जो समस्याओं का जो निराकरण है वो विभागों की तरफ से नहीं किया जा रहा है। फिर वो चाहे आप LDA की बात कर लें या नगर निगम की बात कर लें, जल निगम की बात कर लें या विद्युत की बात कर लें या पुलिस विभाग की बात कर लें, तो हर विभाग में कहीं ना कहीं समस्याएं हैं और लगातार लोगों के द्वारा शिकायत की जाती है। और अब जिस तरह से शिकायतों का खाका निकाला गया, इसकी पूरी समीक्षा की जाती है, तो समीक्षा पर ये निकला कि जिस तरह से जो समस्याएं थी उनका निराकरण विभागों की तरफ से समय पर नहीं किया जा रहा है, और उसका नतीजा ये रहा कि राजधानी जो पहले स्थान पर कभी हुआ करता था, आज वो 46वें स्थान पर पहुंच चुका है। अनिकेत, जिस तरीके से आप देखिए, पहले से 45वें स्थान पर पहुंच जाना, शिकायतें लगातार आना, शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पाना, इसको लेकर क्या किसी अधिकारी से आपकी बात हुई? देखिए, अभी अगर बात करें किसी विभागीय अधिकारी से, तो यकीनन तौर पर जो जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ विभागों में जो बदलाव हुए, तो उन बदलाव की वजह से कुछ समस्याओं का निस्तारीकरण नहीं किया जा सका है। और अब जो सीटें खाली थी जिन विभागों में, उन सीटों पर जब भर चुके हैं, तो अब कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं उनको ना केवल सुना जाएगा बल्कि उनका निस्तारीकरण किया जाएगा। जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश की अगर बात करें, तो यकीनन तौर पर ये साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि यकीनन तौर पर जो राजधानी पहले स्थान पर समस्या को निस्तारीकरण करने को लेकर था, आज वो भले ही 46वें स्थान पर है, लेकिन प्रयास ये किया जा रहा है कि जल्द से जल्द सभी समस्याओं का निस्तारीकरण कर दिया जाए। अगर बात करें राजधानी की, तो लगभग 1359 ऐसी समस्याएं हैं जो अभी भी पोर्टल पर हैं, जिनका निस्तारीकरण अभी नहीं किया जा सका। जी अनिकेत, अब देखने वाली बात यही होती है कि आखिरकार फिर कब स्थिति सुधर पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए अनिकेत। राजधानी में शिकायतों का निस्तारण नहीं हो रहा है। और यहां रुकते हैं।